पिक्चर देखे घंटे हो गए और अभी तक मेरा सर दर्द कर रहा है। क्यों, कितने बार चिल्लाया है मैंने, मेरे को खुद नहीं पता। और मैं सिर्फ अकेला पागल नहीं था, पूरा थिएटर चीख रहा था। भाई साहब कतई जहर थिएटर एक्सपीरियंस मिला है मेरे को। मेरा क्रिएटर से एक सवाल है, भाई क्या बना दिया तुमने, ये क्या है, पूरे 3 घंटे की पिक्चर है और मेरा मन लिटरली नहीं भरा। देखो मैंने जस्ट पिक्चर देखा है इसलिए तारीफ करते थकूंगा नहीं, इसे तारीफ को थोड़ा साइड करते हैं और बात करते हैं आखिर मूवी में क्या क्या है। स्पॉइलर फ्री रहेगा, टेंशन मत लो। तो मूवी हर पार्ट की तरह अपने मेन कैरेक्टर द ग्रेट जॉन विक पे फोकस करती है। स्टोरी कोई खास नहीं है, हर बार की तरह जॉन विक भैया को कुछ चाहिए जिसके पीछे वो निकल जाते हैं। बस बीच में जो 200-300 लाशें बिछाते हैं, पिक्चर का यही सेलिंग पॉइंट है और यही काफी है। अगर तुम एक्शन मूवीज पसंद है तो तुम इसके एक्शन सीन से बाहर ही नहीं निकल पाओगे, तो स्टोरी पे क्या ही ध्यान जाएगा तुम्हारा। और मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि स्टोरी भकलंड है, स्टोरी बढ़िया है, बस तुमको ज्यादा ही उम्मीद करके मत जाना। बाकी तुमको एक्शन की जितनी उम्मीद रखना है रख लो, वैसे भी वो तुम्हारी इमेजिनेशन के पार ही रहेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मूवी न्यू कैरेक्टर्स को बढ़िया से इंट्रोड्यूस करती है जिसके कारण उनका इम्पैक्ट स्टोरी पे बढ़िया से पड़ता है। कोई कमी ही नहीं है पिक्चर में, लिटरली कोई कमी नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ अगर तुम बिना कुछ जाने देखोगे तो तुम्हें मूवी कुछ ज्यादा ही बड़ी लगेगी, कोई स्टैंड अलोन पिक्चर नहीं है ये। तो आज के लिए इतना ही, रिव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, ऐसे ही मूवी रिव्यू के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। इन पर्सन जाना है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विल मीट इन अनदर वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।